हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप। जी हाँ, एडवांस लेक्चर की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हमने पेस्ट स्पेशल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट से पिक्चर लिंक को थोड़ा सा एडवांस रूप देते हुए हम बात करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप की। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला का भी यूज किया है, तो आप लोग बिगनर है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ध्यान से समझिएगा तो आप समझ जाइएगा कि आखिर क्या है। मैं यहाँ पे दो डेटा सेट बना रहा हूं पहले एग्जांपल के लिए। तो डेटा सेट हमने यहां से तैयार किया और हम विजुलाइजेशन के लिए चार्ट भी रख लेते हैं, इसलिए चार्ट की फॉर्मेटिंग हम यहां से चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। एक और डेटा शीट बना लेते हैं मंथ वाइज, और यहां पे हम इसके सेल्स ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम एक चार्ट दे देते हैं। और इसका चार्ट का भी फॉर्मेट हम दोनों ही सेल है तो यहां पे हम सेल्स सेल्स ओ वाई यहाँ पे हम मंथली सेल्स कर देते हैं। दो हमारे सामने दो चीज हमारे आपके सामने है, देख लीजिए। अब दूसरे सीट पे ये तो मान लीजिए रिपोर्ट हो गया, दूसरे सीट में हमें यहां पे सेल्स देना है। सेल्स में मैं यहां पे सिलेक्ट लिखता हूं और मैं यहां आता हूं आपके इसमें डेवलपर में, नहीं डेवलपर नहीं, मान लीजिए इसमें डेटा वैलिडेशन कर देता हूं, डेवलपर का एडवांस हो जाएगा। यहां डेटा वैलिडेशन में मैं जाता हूं और यहां एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को लेता हूं और यहां दे देता हूं भाई मंथ कॉमा सेल्स। तो अब मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पे सेल्स को सिलेक्ट करूं तो मुझे मेरा जो है ए आना चाहिए, अगर मैं मंथ को सिलेक्ट करूं तो मेरा रिपोर्ट ए आना नीचे वाला आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक एरिया इसके एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पेज लेआउट में जाता हूँ, बैकग्राउंड से ग्रिड लाइन को जो ग्रिड लाइन है उसको हटा दिया हमने। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, अब इसको कॉपी करता हूँ और हमें जहां पेस्ट करना है वहां जाता हूँ। पेस्ट में हम यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक पे आ जाते हैं, पिक्चर लिंक। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि हर पिक्चर जो है एक फॉर्मूला से जुड़ा होता है, हर पिक्चर फॉर्मूला से जुड़ा होता है, तो इसके जो फॉर्मूला ऊपर देख रहे हैं वो है रिपोर्ट A3 से J3। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बड़ा लिखने में लग रहा है ना सर पूरा रिपोर्ट सीट के, छोटा वाला सीट के ना हो सकता है समरी चाहे मंथ बाय रिपोर्ट इस तरह से नाम होगा तो यहाँ बड़ा हो जाएगा ना,
इसका एक शॉर्ट नेम हम दे देते हैं जी, इसका एक शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम कैसे देंगे, तो दोनों का शॉर्ट नेम मतलब कि जो नेम ध्यान शॉर्ट नेम में ध्यान रखिएगा, जो आपके इस लिस्ट में नेम है ना वही हम इसका शॉर्ट नेम लिखेंगे। तो पहला नेम है कहां से रखेंगे, फॉर्मूला बार से, कहां यहां डिफाइन नेम, तो पहला हम यहां पे सेल्स दे देते हैं एंड और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं मंथ डिफाइन और इसका नाम मंथ है मंथ। मतलब कि अगर यहाँ पे रिपोर्ट में ऊपर में अगर मैं मंथ सिलेक्ट करूं ये मंथली डेटा आएगा, अगर मैं इस पे सेल्स को सिलेक्ट करूं तो ये आपका सेल्स बाई डेटा आएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है दीपक जी, सिन्हा जी? नो सर। सिन्हा जी आपको? नहीं सर। ओके तो यहां पे आप समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम यहां चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो है यहां पे जो है ये इससे लिंक हो जाए। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, ये जो मंथ लिखा हुआ है ना इसको अभी सिस्टम समझेगा, अगर मान लीजिए मैं सम में ही सम फॉर्मूला में इस मंथ को सिलेक्ट करता हूं तो आप समझे ये जीरो है, लेकिन जब मैं सम फॉर्मूला में मंथ मैनुअली लिख देता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, आपका डेटा। मतलब कि अगर हम फॉर्मूला में इस मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो इस मंथ को एबीसीडी समझ के रिजल्ट जीरो दे देता है, लेकिन वही मैं फॉर्मूला के अंदर मंथ लिख देता हूं तो ये मंथ नाम का इसका शॉर्ट नेम से इसका जो एड्रेस पे चला जाता है और इस डेटा को सम करके हमें दे दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर्मूला या मेरा एक्सेल इस मंथ को मंथ नहीं, इस मंथ को डिफाइन किया गया नेम समझे जिससे इस रिपोर्ट इस डेटा को समझ सके और इसका कैलकुलेशन कर सके। तो उसके लिए आपको इस B3 को एक इनडायरेक्ट नाम का फॉर्मूला होता है, उस इनडायरेक्ट नाम के फॉर्मूले के अंदर अगर आप रखते हैं तो ये काम हो जाए। इनडायरेक्ट का काम क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो आपने मंथ लिखा या कुछ भी लिखा उसको कन्वर्ट करता है इसके रेफरेंस में। मतलब कि आपने यहाँ पे A1 लिखा तो सम के अंदर आप डायरेक्ट A1 लिखते हैं तो कोई बात नहीं, वो A1 का वैल्यू ले लेता है, लेकिन किसी सेल पे A1 लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उसको A1 नहीं समझेगा, उसको ABCD और टेक्स्ट समझेगा। तो इस A1 को इस बताना है कि जो A1 जो है टेक्स्ट नहीं A1 है, इसके लिए हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, इसके अंदर में इस A1 को रखना होता है। ओके तो हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला पता चल गया। तो दिनेश जी, दीपक जी, अंशना जी, इनडायरेक्ट क्या होता है समझ में आया? दोबारा रिपीट करेंगे सर। इनडायरेक्ट का क्या यूज होता है कि हम जो रेफरेंस देखिए, सिंपल से बात समझिए ना, रेफरेंस समझते हैं ना, A1 समझते हैं, A1 क्या होता है? हाँ। तो अब A1 अगर आपको मान लीजिए कि A1 पता है तो आपने यहाँ पे सम के अंदर में A1 लिख के उसका रिजल्ट ला देंगे सम या जो भी करना है कर सकते हैं। बट आपको A1 पता नहीं है, कोई और फॉर्मूला A1 लाकर दे रहा है आपको यहाँ पे। हाँ। अब मुझे इस जैसे 25 आया ना ऐसे यहाँ लेके आना, तो इस A1 को कोई और फॉर्मूला कंसीडर नहीं करेगा एज ए रेफरेंस, इसको कंसीडर करेगा एज ए टेक्स्ट सेल वैल्यू, सेल एड्रेस नहीं सेल वैल्यू। तो किसी भी फॉर्मूले चाहे सम हो या काउंट हो या कोई भी फॉर्मूला को समझाने के लिए कि A1 कोई टेक्स्ट या सेल वैल्यू नहीं है, A1 वही है जो हम मैनुअली A1 लिखते हैं, इस चीज को समझाने के लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में हम इस A1 को लिखेंगे। अच्छा
देखिए इसको समझना है तो यहाँ फॉर्मूला बार में एवलेट फॉर्मूला होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा। तो इनडायरेक्ट को क्या मिला, A1 इन द इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा क्या कहाँ यूज होता है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए यूज नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट ने सिंपल क्या किया, इस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया। आ गया, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अब मैं यहाँ पे क्या इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में A1 लिख के यहाँ इसको सिलेक्ट कर दूं, मंथ को तो क्या लेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, चार्ट या किसी भी तरह का पिक्चर लिंक रहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम दो ही चीज एक्सेप्ट करेंगे, खाए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस डालें या किसी रेफरेंस का डिफाइंड शॉर्ट नेम डालें, जैसे कि सेल्स एंड मान। प्रॉब्लम समझ में आया सर? अब ये क्या करें, तो डिफाइंड नेम कहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट करता हूं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो पिक्चर लिंक पिक्चर क्या कहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो चीज एक्सेप्ट करूंगा, खाए तो आप रेफरेंस दे दे इस तरह से, या फिर आप किसी रेफरेंस का या किसी भी तरह का डिफाइंड नेम मुझे दीजिए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ओके, नेम कहता है कि मुझे आप कुछ भी दे दो, मतलब कि एक तरह से इंटरमीडिएट का काम ये करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक और नेम डिफाइन कर दूं, जैसे एसएस के नाम से मैं डिफाइन किया। इस बार यहाँ पे मैं किसी तरह का रेफरेंस नहीं दूंगा, इससे पहले तो मैंने एक एरिया रेंज दिया था ना, यहाँ पे किसी तरह का एरिया रेंज नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। इनडायरेक्ट के अंदर में ये आपका जो B3 है, B3 को डाल देता हूं, ठीक है। उसको फ्रीज करना जरूर नहीं, मत भूलिएगा, फ्रीज जरूरी है। अब मैं इस सेल्स के जगह पे SS का हो गया, मैं यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट करूंगा तो सेल्स होगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा तो मंथ होगा। अच्छा, ये है हमारा पिक्चर लुकअप, मतलब कि हम पिक्चर को लुकअप कर रहे हैं, समझ गए? इसमें एक और चीज है, एक और एग्जांपल होगा लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, उसमें हमने ऑफसेट मैच ऐसे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। तो फॉर्मूला अभी आपको हमने बताया नहीं है, अभी आपको समझाया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उसको हम होल्ड करते हैं, उस एग्जांपल को हम अगली बार करेंगे। वो एग्जांपल कैसे यूज होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है, राइट, एक स्कूल है मान लीजिए, और जितने स्कूल के एडमिशन होते हैं उसकी आप पूरा डेटाबेस बनाते हैं एक्सेल में, पूरा रोल नंबर वाइज। अगर किसी का डिटेल आपने इसके साथ एक और समरी शीट बना रखी है जहां पे आप स्टूडेंट का रोल नंबर डालते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स वी लुकअप से आ जाती है, जैसे आप लोगों का रिजल्ट आ जाता था। तो आप चाहते हैं कि डेटा तो वी लुकअप से मंगा रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि उस स्टूडेंट का फोटो भी आ जाए, तो वहां पे पिक्चर लुकअप का काम एक करेगा, लेकिन उसमें मुझे मैच ऑफसेट ऐसे फॉर्मूला भी यूज करने पड़ेंगे, तो उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। एग्जांपल समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ, दिनेश जी आपको आया? हाँ सर, क्लियर। तो इसका यूज आप लोग कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थे होम मेनू बार के क्लिप बोर्ड पे, तो हमने कॉपी पेस्ट अभी तक के क्लासेस में कॉपी पेस्ट वगैरह किया था, पेस्ट स्पेशल किया था। इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि हम करेंगे आपके साथ, जैसे सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर की। कट कॉपी तो नॉर्मली पता है आपको, नहीं।
तो यहां पे हम जो है एक कोई भी एक डेटा लेते हैं, इस पर डेटा था ना मेरे इस फाइल में, हाँ रिपोर्ट पे आते हैं। मान लीजिए इसको हमने थोड़ा सा कलर कर दिया और फॉर्मेटिंग कर देते यहाँ से। अब मुझे इसकी जो सेम फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई करनी है, इस पर क्लिक करेंगे और हम इस पर करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे कई सारे जगहों पर अप्लाई करना है तो हर बार आपको क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा। आप क्या करें कि इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये हटेगा नहीं। जहां अप्लाई करना है जितना अप्लाई करना कर सकते हो। नहीं नहीं फॉर्मेट प्रिंटर पर करना है। तो फॉर्मेट प्रिंटर से क्या होता है कि फ्री हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल तो जैसे होता है इसमें क्लिक किया और आपने जहां अप्लाई करना अप्लाई कर देते हो, लेकिन एक बार के बाद हट जाता है, कहीं और अप्लाई करना है तो वापस क्लिक करके वापस फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना होता है। यहां जस्ट डबल क्लिक कर दें तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो आप लोगों के ऑफिस में ऐसा होगा कि एक फाइल आती होगी जिसमें बहुत सारे डेटा होता होगा, अलग अलग फाइल या अलग अलग शीट होगा, उसको कॉपी करके एक के नीचे एक के नीचे आप कुलेट करते हो, राइट? एक के नीचे कॉपी पेस्ट करते हो, राइट? अब मैं इसी तरह से मैं यहां भी कर रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और एक के नीचे इस तरह से पेस्ट कर रहा हूं। राइट अब मुझे इसको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो जनरली आप लोग मैन्युअली कितना का कैसे करते हैं, आप करते हैं कि सीट पे जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर अगले सीट जहां पेस्ट करना है वहां जाते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर अगली सीट पे जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर इस सीट में सबसे लास्ट पे आते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। ओके फिर तीसरे सीट पे जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं और तीसरे सीट पे आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपका मैं 50% काम खत्म कर सकता हूं, मतलब कि शॉर्ट कर सकता हूं। कैसे? आप कॉपी करने से पहले यहाँ क्लिपबोर्ड का सामने एक एरो निशान है, इसको ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करते हैं, यहाँ इस तरह के आ जाएंगे। अब बस आपको क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी होते ही इसमें ऐड हो जाएगा। जहां जहां जाते हैं आप वहां वहां कॉपी करते चलिए, जस्ट सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक ही एक्सेल फाइल में हो, आप अलग अलग फाइल पे भी जाके कॉपी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्सेल ही हो, आप वर्ड, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट, ऐसे जगहों पे भी कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा ऐड हो जाएगा। अब कॉपी ऐड हो गया, मुझे पेस्ट करना है। अब यहीं पे कर्सर रखिए और पेस्ट ऑल, क्या कीजिएगा, पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल करते ही आप देखिए आपका सारा डेटा एक के नीचे पेस्ट हो गया। ये सिर्फ फाइल बंद करने के बाद में भी क्लिपबोर्ड में रहेगा क्या ये डेटा? हाँ, उसके बाद मान लीजिए क्लिपबोर्ड आपका हो गया तो क्लियर, यहाँ से क्लीन दिख रहा है ना आपको सर। अब कई बार ही पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार, मैं और भी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो पेस्ट और पेस्ट हो गया। अब मुझे पेस्ट नहीं करना है, मुझे इसको खाली चाहिए। ऐसे भी 24 से ज्यादा इसमें ऐड होता नहीं है, 24 के बाद ऑटोमेटिकली ये क्लीन होने लगेगा। फिर आपको क्लीन करना है दूसरा किस कॉपी करने के लिए, यहाँ से इसको क्लीन कर दीजिए, ये आपका क्लीन। उसके बाद आप कहीं भी जाइए अपने सिस्टम पे, कहीं भी कुछ भी कॉपी कीजिएगा तो इसके अंदर स्टोर कर दे, इसको क्लिप बोर्ड कर दे। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में।
Dinesh ji and Mr. Sinha ji and Deepak ji. Yes, sir, clear. Yes, without us, sir. No, no. But yes. अब आगे बढ़ते हैं.